इधर इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने SBI को सारी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया कराने का निर्देश दिया था। SBI को चुनावी बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक नंबर समेत सभी जानकारी दस्तावेज चुनाव आयोग को मुहैया कराना है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आज शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सारी जानकारी सौंपने का आदेश दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने SBI चेयरमैन इस बाबत एक हलफनामा भी दाखिल करने को कहा है। अल्फा न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर से चुनावी बॉन्ड के खरीदार और उसे भुनाने वाले सियासी दल और उसकी तारीख की सही सही जानकारी मिल पाएगी। इससे पहले तक SBI ने चुनावी बॉन्ड को लेकर जो भी जानकारी चुनाव आयोग को दी है उसे चुनाव आयोग वेबसाइट पर डाल चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में आज हाल ही में नियुक्त हुए दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SS संधू की नियुक्ति के लिए अपनाए गए प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए नई 3 सदस्य व्यवस्था का बचाव किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि ADR की मांग आधारहीन है। सरकार ने कहा कि अर्जियों में ऐसा कोई कानूनी पहलू नहीं उठाया गया जिसके आधार पर नए कानून के तहत की गई नियुक्तियों पर रोक लगाने जैसा आदेश हो। याचिकाकर्ता का मकसद राजनीतिक विवाद खड़ा करना है।